कोविड 19 निश्चित भाव आम एक अजणा शत्रु सहित लड़ुचे सारा विश्व रे वर्तमान जो भाई भाव जीवन यात्रा चली जो भाव मनीषर समाजशैली थिला जो भाव से मैंने जीवन जापन करते बर्तमान पूरापूरी गोटे चेंज आसी से अनुक्रम बर्तमान युव समाज मुझे बहुमात्रा से लाइफ को ये कोविड 19 गोटे प्रतिकूल भाव में प्रभाव पकई छात्र मानकर परीक्षा सरी जाकर रेजल्ट आसी पारे बा बहुत जन अच्छे जो मानक पाठपढ़ा सरी किंतु से मैंने वर्तमान जॉब पे अप्लाई कर जॉब पाई पारे ना इन विभिन्न भाव में अफेक्ट होती बर्तमान युव समाज गोटे रकम कह घर भितर बंदी होती जो समय बाहर खेल कथा बाहर बुलवा कथा लोक मान सहित मिसा कथा से समय गोटे रकम घर भाव में बंदी अच्छा किंतु आमको निश्चित भाव में गोटे कथा लक्ष्य रखा पड़ो जे कोविड 19 विरुद्ध लड़ाई आमको सामाजिक दूरत्व बजाय रखा पड़ो तेणु निश्चित भाव में गोटे पटे नियम मानवाक पड़ो आउ गोटे पटे आमको देखा पड़ो जो किभ भाव युव समाज जो अच्छा से मानसिक व शारीरिक क्षेत्र में से मैंने फिट रे सेटा भी गोटे बहुत बड़ चैलेंज कारण बर्तमान समय देखा मिलू जे शारीरिक स्वास्थ्य सहित मानसिक स्वास्थ्य विषय में समस्ते कथा लगे मानसिक स्वास्थ्य बा डिप्रेशनटा बर्तमान गोटे युव समाज भितर देखा मिलू विभिन्न कारण मो मत युव समाज गोटे एभली युवक मान को मुझे भाव कह जिते भी दुनिया किसी ना कि परिवर्तन आसी से परिवर्तन को युवक माने कि आनी से परिवर्तन को युववर्ग ही आनी तेणु आज जो समय आसी ये समय अनेक जगह देखा मिलू युवक मैंने बाहर को आसने साहर हाथ बढ़ाऊँ से मैंने समाजसेवी मान सहित कथाई से लोक मान्यर हाथ बढ़ाऊँ तेणु ये गोटे बहुत बड़ कथा गोटेपटे आमको देखा पड़ो युवक मानकर मानसिक स्वास्थ्य किभली भाव से मानसिक भाव में दृढ़ रे मानसिक स्वास्थ्य से भल र एवं आउ गोटे पटे मु निश्चित भाव में युवक वर्ग को उपदेश देवी जो से घरे रही सामाजिक दूरत्व बजाय रखी किभली भाव में शारीरिक भाव में फिट रहा उचित एवं ये समय मो मत बेसी दिन रही ये समय निश्चित भाव गोटे ना गोटे दिन अतिक्रम कर आम समाज जो भाव नियमित कार्यधारा करुले से कार्यधारा को रुटीन को फेर से समय सबकि नर्माल हम कि समय सबुठ बड़ कथा है कि भाव में आम निजर स्वास्थ्य को जगवा निज पर स्वास्थ्य को जगवा एवं ये समय को आम खाप हो कि भाव में आगे जावास सहित आम निज को किप हो आगे बढ़िया तो निश्चित भाव में युववर्ग मान गोटे बहुत बड़ चैलेंज किंतु आमको ये समय कथा समय को अपेक्षा कराया पड़ो निजर शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य को बजाय रखी आगे जावाक पड़ो विशेष भाव में भारत बर्ष कथा कह भारत बर्ष गोटे युवक मानक देश कह अत्युक्ति हेनी कारण अधिकांश जनसाधारण बर्तमान भारत बर्ष से 35 वर्षर 40 वर्षर कम एज रे बयस अच्छा तेणु गोटे बहुत गुड़े संभावना अच्छी भारत बर्षपाई एवं जदि युवक मान कथा कह समाज सेवा क्षेत्र में बर्तमान अन्य मानक हेल्प करने कथा क्षेत्र में युवक मैंने सब आगे आसती यही कोविड 19 समय आमको गोटे कथा निश्चित भाव में शिखेला से सबुठ बड़ा मानविकता जहाँ पाखे बहुत किसी टंका थपे संपत्ति थपे कि भी थपे कि जदि ठीक समय हेल्प न पहुँची पार ताल से टंका संपत्तिर कौन से मूल्य रही करोना महामारी से धनी गरीब से उच्च नीच किसी देखे नहीं समस्त समान भाव में आक्रांत करश्चित भाव में युव समाज ये दिगरे जो भाव में साहर हाथ बढ़ई से प्रवासी जो मैंने श्रमिक मैंने अच्छा साहर हाथ कथा हो आखपाखे पर जो भी अच्छा जीवजंतु से साहर हाथ हो विभिन्न क्षेत्र में आम देखा पाऊ युव समाज मैंने युववर्ग मैंने आगे आसुँच तो निश्चित भाव में जिते प्रशंसा करश्चित भाव कम हम करोना एवं लॉकडाउन बहुत कथा शिक्षा करोना एवं लॉकडाउन शिक्षा देखिए पर गोटे बहुत बड़ कथा एवं सब आम निजर जीवन र्यस्तबहुल जीवन भितर भूली जाऊ जे आम पर आम गोटे टेकन फर ग्रांटेड नहीं जाऊ किंतु यही समय आम शिखले परिवार एवं परिवार वर्ग समस्त जरूरी निजर पड़ोशी मानक जरूरी
ଏବଂ ମଣିଷର ମଣିଷ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେଇଟା ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ, ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏତେ କାମ କରିପାରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିପାରୁନେ ତାହାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ, ଏବଂ କେତେ କମ୍ରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିପାରେ ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ। ଗୋଟେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘରେ ସେଫ୍ଲି ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ବାହାରେ ଆମେ ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରିଲେ ବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ମଣିଷ କେତେ କମ୍ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ସେ କଥା ଆମେ ଏଇ ଲକଡାଉନ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଶିଖିପାରିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜେସ୍ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଲେଜେସ୍ ଅଛି, ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହେଉ ବା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ହେଉ, ସରକାରୀ କଲେଜ ଯାହା ବି ଅଛି, ତା'ର ଆଲୁମିନିମାନଙ୍କର ଆମେ ଡାଟା କଲେକ୍ଟ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରିବୁ ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କଲେଜ ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବୁ। ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେମାନଙ୍କର ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେ କଲେଜର ଉନ୍ନତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ କାମ କରିବୁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୋ କଲେଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ କଲେଜର ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର, କଲେଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ର ଏବଂ କଲେଜର ଅଭିଭାବକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେ କଲେଜ ପାଇଁ ଆମେ କରିପାରିବୁ ବା କମ୍ୟୁନିଟିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ କଲେଜ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବୁ, ସେଇଟା ହିଁ ମୋ କଲେଜର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଭଲ ସିନେମା କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମୁଁ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଦିଗରେ କାମ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଯେବେ ସବୁକିଛି ନର୍ମାଲ୍ ହୋଇଯିବ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ସୁଟିଂ ଫ୍ଲୋର୍କୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ବି ଯାହା ବି କରିବି ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଛି ଭଲ ଗୁଣାତ୍ମକ ଫିଲ୍ମ କରିବାରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବି, କାରଣ ମୁଁ କେବେ ବି ନମ୍ବର୍ସରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖେନି। ତେଣୁ କମ୍ ଫିଲ୍ମ କରିବି କିନ୍ତୁ ଭଲ ଫିଲ୍ମ କରିବି ବୋଲି ଏବଂ ମୋ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଦେବି ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି। କରୋନା ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଦିନ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ହିଁ କଟୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ସମୟରେ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯେଉଁ ସମୟ ଆଗରୁ ହବିସ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଇପାରୁନଥିଲି, ଆଗରୁ ମୋତେ ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ପାଏ, ଏବେ ସମୟ ମିଳିଛି ବହି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଫିଜିକାଲି ଫିଟ୍ ରହିବି, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସମୟ ମିଳୁଛି। ଯେଉଁ ସମୟ ଆଗରୁ ମିଳୁନଥିଲା ସେ ସମୟଟା ଏବେ ମିଳୁଛି, ଅନେକ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏ ସମୟକୁ କେତେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ।